इसी क्रम में पृथ्वी कुमार पटेल और आशीष में कुछ बातों को लेकर के आप देख रहे हैं केवल खबर शिकारपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 5 फरवरी को शिकारपुर थाना अंतर्गत आशीष कुमार का नरकटियागंज स्थित रेलवे हाई स्कूल पांडे टोला से अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर शिकारपुर थाना कांड संख्या 91/24 दिनांक 6 फरवरी 2024 को दर्ज किया गया। अपहृत आशीष कुमार का शव मनुआ पुल ओपी क्षेत्र अंतर्गत बरामद हुआ था तथा शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस के द्वारा कांड का अग्रतर अनुसंधान में तकनीकी विश्लेषण तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना में शामिल 2 अपराध कर्मियों की पहचान कर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा तथा गिरफ्तार व्यक्ति में पृथ्वी कुमार पटेल तथा अभय कुमार शामिल है। 5/2/2024 को आशीष कुमार धोबहा के अपने 2 बहन का एग्जामिनेशन निकालने के लिए रेलवे हाई स्कूल पांडे टोला में आए थे। वहां पर वे अपने बाइक को खड़ा किए और बाइक खड़ा करने के बाद वो गुम हो गए। परिजन आए और बताए कि एग्जामिनेशन देने आए थे, अभी तक से घर नहीं लौटे। एक FIR किया गया 363 में और हम लोग कांड के उद्भेदन के लिए लोकल इनपुट CCTV फुटेज और जो टेक्निकल अनुसंधान है तकनीकी अनुसंधान है उसका सहारा लिए हम। तो लोकल इनपुट CCTV फुटेज तकनीकी अनुसंधान से कुछ हम लोगों को बैकअप मिला। तो पहले हम लोग को एक मोटरसाइकिल का नंबर मिला BR22AX2110, जिससे आशीष कुमार को जाते हुए देखा गया था। फिर हम लोग तकनीकी अनुसंधान किए तो ये बात आया कि पृथ्वी कुमार पटेल जो सतवरिया के रहने वाले हैं और अभय कुमार लपटही कुर्मी टोला के रहने वाले हैं, इन्हीं लोगों के साथ वो मोटरसाइकिल से गए थे। और जो BR22X2110 मोटरसाइकिल है वो अभय कुमार के संबंधी के नाम से है और अभय कुमार अभी इसका उपयोग कर रहे थे। दोनों की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी में ये लोग अपनी संलिप्तता स्वीकार किए हैं और बताए लोग हैं पृथ्वी कुमार पटेल जो मुख्य अभियुक्त हैं कि आशीष से इनकी दोस्ती कुछ दिन पहले हुई थी, एक दोस्त के माध्यम से ये चले गए थे पंजाब कमाने के लिए। पंजाब से लौटे हैं तो आशीष कुमार को ही उस दिन फोन किए, आशीष इनको बुलाए और आशीष के बुलाने पर ये आए हाई स्कूल। वहाँ से आशीष को लेकर के लोग निकला और निकला लोग बेसिकली कि हम लोग कहीं कुछ खाएंगे पिएंगे, तो ये लोग गए हैं साठी में जाके कुछ मद्यपान वगैरह किए हैं लोग। फिर इसके बाद ही लोग चले गए हैं बेतिया और वहाँ जाके मछली उछली भुजवाए हैं और फिर एक सरेह में जहाँ डेड बॉडी मिला है वहीं पर बैठ के दोनों लोग पृथ्वी और आशीष खा पी रहे थे। कुछ समय के लिए अभय कुमार वहाँ से गायब थे, बाद में फिर अभय कुमार भी आ गए। इसी क्रम में पृथ्वी कुमार पटेल और आशीष में कुछ बातों को लेकर के बकझक हुई और आशीष कुमार उनको प्रेम प्रसंग वाला मामला है? नहीं, प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है। जैसा कि पृथ्वी कुमार पटेल बता रहे हैं कि आशीष के मोबाइल में उनके किसी गर्लफ्रेंड का फोटो था, उस पर हम कमेंट किए और उसी कमेंट के चलते वो हमको पहले मार दिया। दोनों आदमी नशे में थे और इसी क्रम में घटना नहीं, जो आशीष का मोबाइल है और चाकू जिसे गला काटे हैं, गांजा काटने के लिए चाकू रखते हैं हमेशा साथ में, वो दोनों को रामगढ़वा ले जा करके एक तालाब में, बड़े तालाब में ही फेंक दिए। 7 तारीख को फेंके हैं संजोग से। तो हम लोग प्रयास किए बरामद करने का, लेकिन तालाब बहुत बड़ा है, संभव नहीं।